जब ऑबियसली uh, फिल्म बहुत ज़्यादा मूविंग है बहुत इमोशनल है कहीं ना कहीं सब कुछ छुआ है फिल्म में लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब फिल्म में देख रही थी और जब आप आप स्क्रीन पे आ रहे थे तो आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो गया था तो जब आपने खुद ये फिल्म देखी बाद में क्या आपको भी ऐसे कुछ इमोशन से गुजरना पड़ा आप अपने आप को देख के रोए या किस तरह का इमोशन था आपके साथ if, if हाँ सही बात यह है कि मैं भी रोई थी yes. <laughs> मगर मुझे यह समझ में नहीं आता कि जो रिएक्शन हुआ है फिल्म का तो हुआ है सोनम का भी हुआ है तमाम लोगों का हुआ है लेकिन मेरे साथ जो रिएक्शन हुआ है मुझे मालूम नहीं कि उससे मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं क्योंकि हर इंसान मेरे पास आके कहते आपने रुला दिया अरे तो उसमें मैं खुश क्यों होंगी दिया तो सब लोग आके ये कहते हैं लेकिन सही में न, मेरे लिए भी जैसे कि सोनम कह रही हैं सबसे सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट यही था कि भाइयों को पिक्चर अच्छी लगी और उन्होंने फ़ोन करके हमसे कहा और इरफान साहब जिनके जरिए मैं पहली बार गई थी चंडीगढ़ और रमा जी से मिली थी जब फिल्म का कोई जिक्र भी नहीं था मुझे भनोट फैमिली ने बुलाया था नीरजा भनोट अवार्ड फॉर ब्रेवरी देने के लिए तो इरफान साहब एक हैं जो हमको लेकर गए थे और जो मुझे पहला फोन आया था वो उनका आया था और वो इतना रो रहे थे कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे दैट फॉर मी वॉज वेरी वेरी डीपली डीपली मूविंग और जैसा कि आपसे अतुल ने कहा है मेरी समझ में नहीं आता कि अब तक मैं झक मार रही थी क्या <laughs> जितने मुझे जितने एसएमएस आते हैं, जितने ईमेल आते हैं, जितने लोग आते हैं, मैं सोचती हूँ कि भैया इससे पहले भी मैं थी आप लोगों ने देखा था कि नहीं, but obviously it's it's really, really, really due to Ram's vision and it couldn't it couldn't have happened without the writers Sivan and Sayyukta. So we want you to stand up and take a bow because it really, truly, truly is the power of the uh, writing and I want to thank. फॉक्स मैं आपको ये बता दूं कि जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी तो मैं फॉक्स uh, के हर इंसान के कान पकड़ के कहती थी मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है पिक्चर मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती और आप सोचिए कि 40 साल में मैंने कभी अपने आप को मार्केटिंग से कभी ना इन्वॉल्व किया है ना उसकी फिक्र की है और यहां मैं कह रही थी नहीं मगर मुझे नज़र नहीं आ रही और विजय जी मुझे कह रहे थे शेखा मुझसे कह रही थी डोंट वरी इट विल बी ओके इट विल बी एंड दे प्रूव मी रॉन्ग सो थैंक यू वेरी मच आई एम वेरी वेरी ग्लैड